अगर मेरा कहना गलत होगा तो मेरे वीडियो में आके कमेंट भी जरूर करना कि ये गलत बता रहे हो आप। तंदूर में बना हुआ है वेज सीख कबाब, तो ये देखिए बाहर से थोड़ा सा क्रंची लग रहा था और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। आज हम आए हैं अर्बन अंगीठी पीपीआर मॉल में, जहाँ की यार बहुत ही अच्छी डिलीशियस आइटम्स मिलती हैं। इनकी एक स्पेशल आइटम है उल्टा तवा परोंठा। अंदर चलते हैं मेरे साथ साथ, चलो और करते हैं थोड़ी थोड़ी बातें भी और चटपटा फूड भी ट्राई करते हैं और चलते हैं टेबल पे। तो भैया यार सबसे पहले तो जब मैं बैठा हूँ यहाँ पे तो अरोमा मतलब लाजवाब है। थैंक यू। हम थोड़ी सी इतनी बात करें कि कितना आपका एक्सपीरियंस है फूड लाइन में। सर मैनू एक्चुअली 6 साल हो गए हैं जी। सिक्स हो गए मैंने जलंधर। मैं उस तो पहले मैं दिल्ली अपने मेरी मासी जी लड़का उन्होंने रेस्टोरेंट ने जितों मेरे उस्ताद भी है जितों मैं कम सीखा जी। बहुत ही यूनिक आइटम मुझे लग रही है। पेरी पेरी भी देखो एक यूनिक आइटम है। पेरी पेरी मैंने फ्राइज तो बहुत सुने थे भैया, पेरी पेरी चिकन आप यार मतलब लेके आ गए यहाँ पे। सर आप ट्राई कीजिए फिर आप मुझे बताइए। ये आपका अंगीठी का स्पेशल चिकन है। yes, चिकन टिक्का है। yes. काली मिर्च टिक्का यार बहुत लोगों का पंजाबियों का फेवरेट है। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है जरूर कमेंट करके बताना। और एक पीस मैं ये भी लूंगा जरूर, आप देख सकते हो ईरानी चिकन। अर्बन अंगीठी जलंधर में सिर्फ इसी बात के लिए फेमस है कि अलग अलग आइटम्स और टेस्टी डिलीशियस आइटम्स आपको खाने को यहाँ पे मिलती हैं। ये चार टाइप के नॉनवेज भैया ने मेरे लिए लगवाए हैं यहाँ पे, तो टेस्ट करते हैं आपको इसका टेस्ट भी बताते हैं, साथ साथ में भैया से थोड़ी सी और भी बातें करते हैं। भैया सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि पेरी पेरी का क्या मन में आया कि पेरी पेरी फ्राइज से आपने पेरी पेरी चिकन बना दिया। इसका जो मैरिनेशन है वो मेरी वाइफ ही मसाला जो है वो बना के देती है भैया। मतलब जो मैरिनेशन का काम है वो हमारे भाभी जी का है। ये बताओ कि इसकी मैरिनेशन किस चीज़ से करी जाती है। ये एक्चुअली पेरी पेरी की सॉस होती है सर, और इसमें जो पेरी पेरी का मसाला है वो हमारे दिल्ली से सर आता है। तो ये देख सकते हो सबसे पहले मैंने छोटी सी बाइट तोड़ी और कितना सॉफ्ट चिकन है। एक बाइट लेते हैं भाई साहब, लाजवाब है। ये मैं सिर्फ वीडियो के लिए नहीं बोल रहा, आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आके विजिट करना और एक बार ट्राई जरूर करना। अगर मेरा कहना गलत होगा तो मेरे वीडियो में आके कमेंट भी जरूर करना कि ये गलत बता रहे हो आप, क्योंकि आपका भाई करता है आपके लिए ऑनेस्ट रिव्यू। और सच में मैंने ऐसा पेरी पेरी चिकन टिक्का आज से पहले नहीं खाया है। देखिए और टेक्सचर चेक करिए, मैरिनेशन चेक कीजिए कि चारों तरफ से बिल्कुल पूरा का पूरा, कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये खाने के टाइम हल्का सा भी मुँह में कहीं से फीका फ्लेवर दे रहा है। लाजवाब शानदार मज़ेदार, मैं ये पेरी पेरी टिक्का के लिए तो यही बोलूँगा बस। करते हैं थोड़ी सॉफ्टनेस चेक करवाते हैं। ये देखिए आप भाई साहब, ये चिकन का सॉफ्टनेस चेक कीजिए। ये देखिए हाथ से टूट के हाथ में साथ साथ लग रहा है। ये होती है सही चिकन की क्वालिटी यार। इसको एक बाइट लेते ही ये फील होता है कि एक अच्छी क्वालिटी का चिकन हम खा रहे हैं यार, क्योंकि जब इतनी अच्छी खुशबू आपको आएगी ना तो सब डायलॉग सब बातें हो जाएंगी बंद और चलेगा सिर्फ मुँह। और ये चल रहा है हमारा मुँह, देखिए जी, मतलब बहुत असम, अल्टीमेट अल्टीमेट टेस्ट के साथ। अगली आइटम लेते हैं हम, इनका जो स्पेशल है आप देख सकते हो काली मिर्च, पूरा मलाई मार के पूरा टेक्सचर चेक कर सकते हो आप, चारों तरफ काली मिर्च की पूरी मैरिनेशन हो रखी है। तो लेते हैं एक बाइट, भाई साहब कहाँ से ढूंढे ऐसे फ्लेवर। तीन तरह के मैं टिक्का खा चुका हूँ यहाँ पे, पेरी पेरी अंगीठी स्पेशल और काली मिर्च। पहले तो मैं कहने वाला था कि पेरी पेरी से ऊपर अगला वाला नहीं होने वाला, उससे कम ही होगा टेस्टी, लेकिन वो उससे ज़्यादा बढ़िया था। अगली बाइट ले रहा हूँ ना तो लग रहा है कि इससे ज़्यादा बढ़िया नहीं है यार कोई भी। मतलब एक तो भैया का कमाल जो रेसिपी और एक उस्ताद जी से हम थोड़ा सा मिलते हैं, तो ये है उस्ताद जी जो ये आइटम बना रहे हैं यार। अच्छा लाजवाब जादू है इनके हाथों में। भैया कहाँ से ढूंढा ये आपने इनको। ये बस हमारा परिवार ही है जी बस, या वाकई में इनके बगैर हम कुछ नहीं है सर। बिल्कुल सर, ये तो सही बात है। ये वेज में देखिए आप बहुत सारी आइटम्स है भैया के पास। इससे पहले मैं एक बाइट लेता हूँ यार ईरानी टिक्का की, बहुत लोगों का फेवरेट होगा, किस किस का फेवरेट है जरूर बताना। भाई साहब चिकन में तो नंबर वन दिल लूट लिया इन्होंने। अगर आप सीरियसली रोस्टेड चिकन तंदूर का बना हुआ चिकन खाना चाहते हो ना भैया के पास विजिट कर, मजा आ गया अपने को। अर्बन अंगीठी में आ गए, सच में एक से बढ़कर एक फ्लेवर था, मजा आया अपने को। भैया थोड़ी सी बात वेज फूड में करते हैं हम, तो वेज में मेरे को बताइए आप। सबसे पहले मैं ये देख रहा हूँ अंगीठी स्पेशल पनीर टिक्का। अंगीठी स्पेशल पनीर टिक्का मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये है सीख कबाब, ये है मशरूम टिक्का, पनीर मलाई टिक्का, और ये पनीर टिक्का। देखिए जी सबसे पहले जैसे चिकन में तीन तरह की वैरायटी थी, वैसे ही पनीर में भी तीन तरह की वैरायटी भैया ने, सीख कबाब वेज और ये मशरूम टिक्का। किस किस का कौन सा फेवरेट है जरूर बताना, और फर्स्ट लुक में प्रिपरेशन में कौन सा अच्छा लग रहा है ये जरूर बताना। तो सबसे पहले ये देखिए जी चीज़ की क्वालिटी चेक कीजिए भाई साहब,
ये देखिए, मतलब पनीर है या मलाई, बिल्कुल सॉफ्ट। क्योंकि मैरिनेशन जो है वो बहुत ही लाइट सी हो रखी है, आप देख सकते हो। और देखते हैं एक बाइट लेके, बहुत अच्छा, टू गुड, अच्छे टेक्सचर के साथ अच्छा मज़ा। हम लेते हैं मशरूम टिक्का, बहुत टेस्टी है। मलाई पनीर टिक्का के से भी ज़्यादा अच्छा मुझे मशरूम टिक्का लगा, बहुत अच्छा है टेस्ट। नॉनवेज मेरे सामने पड़ा तो थोड़ा सा वेज फीका लगेगा, लेकिन लाजवाब है। तो इसके बाद मैं पनीर टिक्का आपको दिखाता हूँ, ये भी थोड़ा सा स्पाइसी रहने वाला, थोड़ा सा मसाले वाला टेक्सचर आपको जैसे नज़र आ रहा है, आप देख सकते हो। बहुत ही यम्मी था ये वाला, बहुत ही अच्छा था, आपको मस्ट विजिट करना बनता है। अगर आप वेज लवर हो या नॉन वेज लवर हो, मस्ट विजिट करो। आपको वेज जो है वो अलग से बना के खिलाया जाएगा, नॉन वेज अलग से। बैठिए और यहाँ पे आके ज़रूर खाइए, मज़ा आ जाएगा। ये करते हैं आपका अंगीठी स्पेशल। यस भैया, इसमें स्पेशल क्या है भैया? इसमें जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली फ्लेवर होता है, और काजू मगज का सर पीस, वो जो मैरिनेशन की जाती है। मैरिनेशन जो भी मैरिनेशन में काजू मगज की जो पेस्टिंग की जाती है, मैरिनेट किया जाता है उससे, और जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक का टेस्ट आने वाला। तो आओ यार, ये देखो, सबसे पहले तो इसकी आप ऊपर से टेक्सचर ही देख सकते हो, आपको जिंजर गार्लिक का सब नज़र आ रहा होगा पेस्टिंग। तो लेते हैं एक बाइट। भाई साहब, वेज में नंबर मानिए, ये जितनी आइटम्स मैंने आज खाई ना वेज में, अपन अंगीठी के स्पेशल पनीर टिक्का का मुकाबला नहीं है। मज़ेदार, लाजवाब, शानदार, मज़ेदार। तंदूर में बना हुआ है वेज सीख कबाब, तो ये देखिए, बाहर से थोड़ा सा क्रंची लग रहा था और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। क्रंची के लिए सर इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्स यूज करते हैं। क्रंची इतना कि मुंह में बाइट करते करते क्रंच क्रंच की आवाज़ आ रही है, और अंदर से उतना ही सॉफ्ट। और वेजिटेबल्स का, इनका मसाले का क्या टेक्सचर आ रहा है मुंह में, अल्टीमेट है, मज़ा आ गया अपने को। हम मिलते हैं अब उल्टा तवा परांठा में, क्योंकि उसका आइटम को हम छोड़ के नहीं जाएंगे यहाँ पे। स्टार्टिंग से एंड तक जिस फूड के बारे में बात चल रही थी वो आ चुका है जी, उल्टा तवा परांठा। ये बनता है उल्टे तवे पे, आप चेक कर सकते हो। और ये भी क्रिस्पी है, ये क्रिस्पीनेस की पता नहीं क्या खासियत है इनके पास, क्या रेसिपी है जिससे हर चीज़ क्रिस्पी बनाते हैं। भैया इसकी क्या खासियत है जी, ये उल्टे तवे पे बनता है? भाजी उल्टे तवे पे बनता है ये, बेसिकली ना लखनवी पराठा कहते हैं। लखनवी पराठा, मतलब लखनऊ की स्पेशल आइटम। लखनऊ की स्पेशल है एक्चुअली, गलौटी कबाब सुन देने लखनऊ। यस यस, वेज गलौटी कबाब, मटन गलौटी कबाब, ओदे नाल भाजी पराठा देंदे ने। ओके जी, बट असी इतने इनू गलौटी कबाब नाल, तो साडा चिकन टिक्का मसाला फेमस है इतने, चिकन ओदे नाल असी ये कॉम्प्लीमेंट्री सी सर लखनऊ की स्पेशल आइटम आज आपको लेके आए हैं जलंधर में खिलाने के लिए। तो सबसे पहले हम भी ये भी लेते हैं, और एक पनीर लबाबदार भी भैया ने एक वेज आइटम भी हमारे लिए लगवाई है, कि वेज लवर्स को भी पता चल पाएगी क्या फूड क्वालिटी है। ये देखिए जी, ये चिकन मसाला टिक्का, ऊपर देख सकते हो आप अदरक और धनिया, पूरा मज़ेदार, मतलब फर्स्ट लुक ने तो दिल लूट लिया। और ये है पनीर, ये लीजिए जी। और हम लेते हैं सबसे पहले एक बाइट इसकी, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, बड़ी खासियत है, बड़ा ही मतलब पतला सा नान है ये परौंठा है, उल्टा तवा परौंठा जो उल्टे तवे पे बनाया जाता है, और सॉफ्ट बिल्कुल। ये देखो जी, तो इसकी स्पेशलिटी चिकन मसाले के साथ है, तो चिकन मसाले के साथ ही बाइट लेते हैं। भाई साहब वर्ड्स नहीं है इसको बताने के लिए कि कितना टेस्टी लग रहा है मुझे, क्या खुशबू के साथ क्या स्वाद आ रहा है, मज़ेदार। ये देखिए चिकन की क्वालिटी देखते हैं, और एक बाइट चिकन के पीस के साथ लेते हैं। ग्रेवी थी लाजवाब, थोड़ी सी हल्की सी स्पाइसी थी, मज़ेदार थी, मस्ट विजिट करो। मेरे कहने पे एक बार यहाँ खाने आओ, खाना अच्छा लगेगा ये गारंटी है। आप छोटी मोटी किट्टी वगैरह करना चाहते हो तो भैया का हॉल है ये, यहाँ पे आप बैठ सकते हो, 10 से 15 बंदे आराम से किट्टी कर सकते हो, उसके बाद फैमिली रेस्टोरेंट है, फैमिली के साथ आके खा सकते हो, मस्ट विजिट करना। पीपीआर मॉल में है, नंबर और लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर छोड़ दूंगा। और ये मैं करता हूँ फिनिश, और ये वीडियो भी यहीं पर करते हैं फिनिश, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।